अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज पाकिस्तान में प्रोटेस्ट डे है, तो मैं सोचा कि आज आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो प्रोटेस्ट होते हैं वो अमूमन जो है क्या क्या सिचुएशन होते हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो लेट्स मूव एंड वॉच। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले सिचुएशन तो ये होती है कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो जो वन वे ट्रैफिक हो जाती है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब गाड़ियाँ जो है वो ट्रैवल करती यहाँ आने के बजाय यहाँ सीधा आनी चाहिए, लेकिन यहीं से यू टर्न कर रही हैं, और ये दोनों तरफ से जो है वन वे, यानी लोग कोशिश करते हैं कि जो है ना वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। और कई जगह पे अब जैसे कि ये बाइक वाला है इसको वहाँ जाने के, लेकिन ये बंद होने की वजह से जो है वो अक्सर जो है वो सेंसेशन, कुछ लोग पैदल चलना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं, अब ये यहाँ से ये बाइक आएगी, लेकिन बाकी आगे जाके यू टर्न। ये है जी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन ये होती है कि कहीं पर जो है ना लोगों के दरमियान थोड़ी बहस मुबाइसा वगैरह हो जाता है, जैसे ये देख, और ये इस तरह की सिचुएशन है, लोग यहाँ से जो है यू टर्न कर रहे होते हैं। और जो मेन रीज़न होती है जगह बंद करने की, कि हुकूमत जो है वो पॉलिटिकली जब भी कहीं सिचुएशन होती है तो इस तरह ट्रक रख के जो है वो रास्ते बंद कर देती है यहाँ पे इस तरीके से। अब लोग जो ट्रेवलर्स हैं वो तो आसानी से निकल सकते हैं जो ऑन वॉक हो, लेकिन जो ऑन बाइक्स हैं गाड़ियों, तो उनको किसी न किसी जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे लिए जाने का रास्ता ये है, लेकिन कोई ना कोई इन्फ्लुएंस लगा के, कोई ना कोई तरीका लगा के लोग जो है वो मूव कर जाते हैं। यहाँ से अब इन लोगों ने एक ट्रैक निकाल लिया, वो बाइक अलग गिरा नीचे, ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखाए थे फर्स्ट वे, अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सेकेंड वे। अब यहाँ पर भी जो है ट्रक रखकर रास्ता बन के, लेकिन बाइक के जो वो आसानी से निकल सकती है, ये बिल्कुल यहाँ पे। अब ये हमारे पास एक टनल टाइप रास्ता मौजूद है, हम उतर तो चलिए चलें, ठीक है, थैंक यू, मेरा हो गया। फाइनली ये है जी, ये सारा का सारा रास्ता इन लोगों ने बंद किया। अच्छा, इस साइड से भी बंद है, और अगर थोड़ा सा आगे जाए तो वो सामने से भी बंद। अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ से हम कैसे बाहर निकलेंगे। एक देखिए, ये पूरा का पूरा बंद है, ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं और एक सामने भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से निकलने का बहुत शॉर्टकट रास्ता, ये रहा, थैंक यू। ये देखें, ये सामने ट्रैफिक बंद है, और यहाँ से जो ये बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से भी पतली गली, यहाँ से रास्ता जाता है, ये बिल्कुल एक ट्रैक सा बना हुआ है। तो अभी मैं इधर डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच के फिर बाद में बात करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बतनी क्या चीज़ है, ये पुराने पुराने खाम माल चीज़ें जी। फाइनली अभी जॉब से फारिग होने के बाद वापस गोइंग टू होम, और ये है जी हमारा प्रोटेस्ट डे आज का। रोड्स खाली, सब कुछ, हर तरफ जो है वो आराम डे सिचुएशन। ओके जी, ये फाइनली यहाँ पर ये है जी हमारा गन्ने का जूस। अच्छा जी, ये अभी हमारे रोड्स बिल्कुल खाली हैं, और लोग यहीं से जो है ना यू टर्न करके वापस आ रहे हैं। और ये हो रहा है जी हमारे यहाँ पे काम, ये भाई साहब गाड़ी नॉन ट्रैक पे, ये देखो सिग्नल चेक करो, ये देखो ये इधर से, ये हमारे साहब ये साथ
आप सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं यहाँ इधर पर, हाँ पर वो टी एम पे उतार देगा, टी एम सी एन जी पर। एक और गाड़ी जो है ये भी रॉन्ग सिग्नल पे आ गई, ये एक और गाड़ी रॉन्ग सिग्नल, ये भी एक गाड़ी रॉन्ग सिग्नल पे, ये बंदा अपनी दुनिया में मकान बातें कर रहा है। चाचा जी मसरूफ, ये होगी जी हमारी सब्जी मंडी। मैंने भी इधर ही जाना है, जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो। ये हमारे टीएमसी जी पंप हो चुके हैं लगता मेरे पड़ोसी में रहते हैं, इधर ही रहते हैं। मैं ये 5 नंबर के लिए लगा देता हूँ, टाटा नंबर शुरू करेंगे। बड़े मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। ये भूखे मांगने वाले तो वही चेक गिफ्ट है। अच्छा बताओ ना, बस को तो बंद कर दो। अगेन अभी हम इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन के अंदर। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये ना पढ़ने वाली शख्सियत और ये पढ़ने वाली शख्सियत, ये है जी हमारा चुक्के पाका टिक्का पाका टिक्का मक्का टिक्का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वालेकुम सलाम, इधर आके बकवास करो जो तुमने करनी है। तमीज से बात किया, आप उस्ताद हैं, बात करने की तमीज। मुंह पे छप्पी मार, थप्पी मार, दो दो हटे रे, पकड़ पकड़ी पकड़ी पकड़ी, मैं करता हूं। मैं रात बैठ निकाल, पाउडर पाउडर ले, पाउडर ले। चलो सर जी बात करें, पकड़े अपना ब्लॉग। तूने उसका क्या हशर किया? मेरा क्या, मैंने तुम्हें